आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली 13.3 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि वहां पर आप पहले सबसे पहले मिश्र धन निकाल लीजिए और फिर वहां पर मिश्र धन में यदि आप मूलधन को घटा दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज इजिली निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये वार्ता नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि वहां पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ठीक, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन से मैच करता है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन आपका बोल रहा है वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? वह धन। तो वहां पर आपके दो प्रकार के हमने धन पढ़ा था, एक मूलधन है और एक मिश्र धन है। ठीक है, तो दोनों में से देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न ये बोल रहा है वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, 8%। तो जब भी 8% प्रतिशत में दिया है तो आपका यहाँ पर दिया है, मैं आपका आ जाएगा कि आपका जो दर है, जो रेट है, वो कितना दिया है? 8%। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी प्रतिशत में वो क्या है? दर है। ठीक है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में। तो वर्ष बोल दिया है 2 वर्ष, वहां पर आपका आ गया समय। ठीक है, 2 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन नहीं है। क्यों मूलधन नहीं है? क्योंकि आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि आप 8% दर लगा रहे हो तो 2 वर्ष बाद उतना रुपए हो रहा है। तो जब समय आपका इतना रुपए हो रहा है, ठीक है, कोई पैसा था आपका, ठीक है, कोई पैसा था 500 रुपए, वो 2 वर्ष बाद 600 रुपए में बदल रहा है। ठीक है, तो ये आपका मूलधन होगा क्या? नहीं, 2 वर्ष में जब आपका इतना रुपए हो रहा है यानी कि उसमें ब्याज जुड़ चुका है। तो जब ब्याज जुड़ चुका है तो वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो ये हमारा मूलधन नहीं है। क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, तो हमको वह धन ज्ञात करना है, यानी कि कौन सा धन निकालना है? मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको मिश्र धन दिया है तो हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से मूलधन निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले लिखा था, दिया है में आपको जो जो मान दिया रहेगा उसको लिखोगे, उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमको यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि हमको वैल्यू मिश्र धन की दी हुई है, पी 1+R/100 T। तो मिश्र धन दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। तो मिश्र धन की जगह मिश्र धन का मान रखेंगे, मूलधन की जगह मूलधन का मान रखते हैं, आर की जगह आर का मान रखेंगे और टी की जगह हम टी का मान रखते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन दिया है 5,832। इस तरह से लिखोगे, इस तरफ हमको मान नहीं दिया है, हमको ये चीज निकालना है तो हम पी ही रखेंगे। फिर 1+ दर हमको 8% दिया था, बटे में 100 लगाएंगे और घात में हमारा था 2 वर्ष। ठीक है, 5,832 इस तरह से हम लिखेंगे, ये कट जाएगा, 4 दुनी 8, 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 और 2 27, तो 27/25। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप एक लाइन बढ़ा दे सकते हो इस तरह से। ठीक है, 25 का मैंने 1 से गुणा किया, 25 एकम 25, और फिर जो 2 बचा था मेरा उसको मैंने जोड़ दिया, तो 25 और 2 हो गया 27, और बटे में जो रहता है उसको हम लिखते हैं। ये मैंने भिन्न के रूल से किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 को 2 बार गुणा कर देंगे और 25 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो ये हो गया मेरा, 25 को 2 बार गुणा करूंगी, फिर 25 को 2 बार गुणा करने से 625 आएगा, 27 को 2 बार गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस पी का मान हमको निकालना है तो इन दोनों को पक्षांतर कर दूंगी। तो पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये 625 हमारे किसमें है, भाग में दिया है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5,832 यानी 5,832 और 625 का गुणा हो जाएगा, और 729 जो हमारा गुणा में है वो कहाँ चले जाएगा, भाग में, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल करोगे, काट देते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पहाड़ से यदि आप काट रहे हो तो 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा, 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 3 किया 9, यहाँ पर हम काट देंगे
तीन एकम तीन, कितना बच गया दो, तीन नियम सत्ताईस, फिर बचेगा एक, तो यहाँ चले जाएगा तीन चौक बारह, यहाँ चले जाएगा तीन चौक बारह। अब फिर से इसको तीन से काट देंगे, तीन अट्ठे चौबीस, तीन एकम तीन, यहाँ फिर से कट जाएगा तीन छक्के अठारह, फिर यहाँ पर एक बच जाएगा, तीन चौक बारह, फिर यहाँ पर दो बच जाएगा, तीन अट्ठे चौबीस। तो इस तरह से आगे हम हल कर लेते हैं। हमारा टी का वैल्यू आया है यहाँ पर 648 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारा 625 बचा हुआ है और नीचे हमारा आया है 81। ठीक है, अब इसको हम फिर से कैंसिल कर लेते हैं। तीन दूनी छह, दो बचेगा, तीन सत्ते 21। फिर से यहाँ पर काट देंगे, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन, फिर एक बच गया, तीन छक्के 18। ठीक है, तो यहाँ पर तीन निया सत्ताईस, तीन निया सत्ताईस, तीन सत्ते 21, तीन दूनी छह। ठीक, और यहाँ पर नौ एकम नौ, नौ अठे 72। तो यहाँ पर पी की वैल्यू हो गई 8 × 625। अब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5000 रुपए। ये जो है वो हमारा मूलधन निकल चुका है। ठीक है, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है जब तक आपका वैल्यू कट रहा है, काटना है, काटने के बाद ये आपका गुणा करने में आसान हो जाएगा। अब आप इसको गुणा करोगे तो आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाएगा बोला था। तो इसलिए वहां पर मिश्र धन दिया था, मूलधन आपको ज्ञात करना था, दर आपका 8% दिया था और समय आपको 2 वर्ष दिया था। तो इस तरह से मिश्र धन की जगह हमने मिश्र धन रखा, मूलधन नहीं दिया था इसलिए मैंने पी रखा है, दर 8 रखा और यहाँ पर समय में 2 रखा। सबसे पहले यहाँ पर काटा मैंने दो चार के पाड़े से, 4 × 8, 4 × 5 = 20, 4 × 0 = 0, 4 × 5 = 20। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 4 × 8, यहाँ पर 4 × 8, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, और भाग में 2 बचा है हमारा, यहाँ पर फिर मैंने उसी को उतारे क्योंकि हमने इस तरह तो हल किया नहीं है। यहाँ पर फिर मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने इस तरह से जोड़ा है, 25 एकम 25, 25 × 2 = 27, 27 आया था हमारा, बट्टे में हमारा 25 हमको लिखना है, घात में 2। तो आप चाहे यहाँ पर 2 बार गुणा कर सकते हो या फिर इस तरह से मैंने जैसे हल किया वैसे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमको पी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इतना पूरा को मुझे हटाना था ताकि हमको पी का वैल्यू पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, जो चीज हमारी भाग में थी वो गुणा में चली गई और जो गुणा था पी के साथ जो गुणा था वो भाग में चल गया। फिर मैंने यहाँ पर काटा है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर तीन के पार से काटा, तीन दूनी छह, तीन चौक बारह, तीन किया 9। फिर मैंने यहाँ पर काटा, तीन एकम तीन, तीन या 18, तीन चौक बारह, तीन चौक बारह। फिर यहाँ पर बचा तो मैंने फिर से तीन से पार से काटा, तीन अट्ठे 24, तीन एकम तीन, यहाँ पर काटे है, तीन छक्के 18, यहाँ पर बच जाएगा, फिर तीन चौक बारह, फिर यहाँ पर बचेगा तो तीन अट्ठे 24। ठीक है, उसके बाद मैंने वहां पर लिखा हुआ है 648 मल्टीप्लाई बाय 625 डिवाइडेड बाय 81। फिर मैंने इसको अगेन 3 से काटा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर देखिए 4 था ये, तो 3 एकम 3, फिर 1 बच जाएगा, 3 छक्के 18। फिर यहाँ पर काटा, 3 निया 27, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। फिर डायरेक्ट मैंने 9 के पार से काट दिया, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। और फिर 8 आया था, मल्टीप्लाई किया 625 से, तो यहाँ पर मेरा 5000 जो है वो मूलधन आ चुका है। तो आप उत्तर में लिखोगे कि वह धन 5000 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्षों में 5290 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर 2 मान आपको दिया था, 4000 रुपए भी और 5290 रुपए भी। ठीक है, तो दोनों में से आपको कम कौन दिख रहा है, 4000 दिख रहा है, 4000 तो हो क्या हमारा मूलधन। मैंने इसको मिश्र धन क्यों लिया, क्योंकि 4000 से ये वैल्यू ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो जब हमारा मूलधन 4000 है उसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा तभी हमारा इतना रुपए मिश्र धन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है कि जो आपकी कम वैल्यू दिख रही है वो आपका मूलधन है और थोड़ी सी जो ज्यादा दिख रही है वो आपका क्या है, मिश्र धन है। समय यहाँ पर दिया था 2 वर्ष, तो मैंने लिखा 2 वर्ष। अब यहाँ पर मिसिंग है हमारा दर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत
क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत। तो यहाँ पर हमको प्रतिशत नहीं दिया है, यानी कि आपको दर निकालना है। तो जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन में ये लिख के आए कि आपको दर ज्ञात करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वहां पर समझना भी पड़ेगा कि आपको प्रतिशत बोल रहा है तो वहां पर आपको दर ज्ञात करना है। यदि आपका प्रश्न ये आ रहा है कि कितने समय, ठीक है, कितने समय बाद ऐसा पूछ रहा है, तो कितने समय, तो समय निकालना वहां पर, ठीक है, यानी कि आपको वर्ष में समय निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि वह धन ज्ञात कीजिए, तो दो धन होते हैं, मिश्र धन और मूल धन, तो दोनों में से कोई एक निकालना था वहां पर। कितने प्रतिशत बोल रहा है यानी कि दर ज्ञात करना है, और कितने समय बाद बोलेगा तो वहां पर समय ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर अगेन आपको मिश्र धन दिया था, तो हम मिश्र धन का फॉर्मूला लगा के हल करेंगे। मिश्र धन का क्या फॉर्मूला हो गया, पी वन प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर टी, ठीक है। मिश्र धन की जगह हमको मान दिया है 5290, मूल धन की जगह मान अब हमको दे चुका है 4000 है। 1 प्लस आर हमको निकालना है, इसलिए अब हम आर रखेंगे, समय हमको 2 दिया है, ठीक है। अब ये देखिए हमको यहाँ पर आर निकालना है, तो इसमें तो हम कुछ हल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये हमारा आर का मान दिया ही नहीं है। जब तक ये हल नहीं होगा तो हम घात को हल नहीं कर सकते। अब बचा कौन, 4000, तो ये देखिए ये ब्रैकेट में दिख रहा है यानी कि वो गुणा में है, तो इधर जाके वो भाग में चले जाएगा, तो 5290 बटे 4000। यहाँ पर दिया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। अब 00 कैंसिल कर दोगे तो ये बच गया 529 और यहाँ हो गया 400, ठीक है। अब ये R को यदि आपको हल करना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तभी ये ब्रैकेट मेरा हट पाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, या तो आप 2 को यहाँ हटाने के लिए इसमें वर्गमूल का निशान लगा सकते हो, या फिर वर्ग करके भी हटा सकते हो। चलिए देखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावर 2, हमने लिखा हुआ था, यहाँ पर है 529 डिवाइड बाई 400। तो आपको यहाँ पर वर्गमूल लगाते हो तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से 2 यहाँ और यहाँ वर्ग ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ये जो 2 है वही हटेगा, तभी आप वर्गमूल का निशान आएगा, ठीक। तो उसका वर्गमूल आप लोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है। इस तरह से 23 का वर्गमूल 529 का वर्गमूल 23 होता है और 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये जो 1 है, आपको R निकालना है, तो R के पहले हमारे यहाँ पर देखो 100 है, तो ये तो हमारा हल नहीं हो सकता, जो हमारा इजिली हल हो सकता है, तो ये देखिए इस तरह से हल हो सकता है। तो एक हमारा जो प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो R डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर हो जाएगा 23 बटे 20 माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। R डिवाइडेड 100, अब फिर से हम इसको हल करेंगे, ठीक है, 23 माइनस 20 बटे 30, कैसे किया मैंने, 20 से कम 20 हो गया और बटे में 20 है, ठीक। आप ऐसे भी लोग ले सकते हो, तो इस तरह से हुआ। अब हम इसे हल करेंगे, R डिवाइडेड बाय 100, 23 में से यदि हम 20 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3, 3 बटे क्या है यहाँ पर 20। इस तरह से ये कटेगा क्या, नहीं, इसलिए अब हमको डायरेक्ट इस 100 को उधर हटाना पड़ेगा, तो 100 हमारा भाग में है, उधर जाके गुणा में चले जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्या होगा ये 300 बटे 20, 10 से 10 हमारा कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 30 बटे 2, तो 30 का आधा कितना होता है 15, दर हमारा प्रतिशत में होता है, इसलिए वहां पर प्रतिशत लगाना जरूरी है। जैसे हम रुपए में मूलधन या मिश्रधन लेते हैं तो रुपए लगाते हैं, ब्याज लेते हैं तो रुपए लगाते हैं, वैसे ही जब समय बोले तो वहां पर वर्ष लिखना है, जब दर बोले तो प्रतिशत लगाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप क्या हल कर रहे हो, किसके लिए हल कर रहे हो, ठीक है। यदि आपका मिश्र धन दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है नहीं लिखना है, मूलधन दिया है तो लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक। तो वहां पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि हमको क्या दिया हुआ है, और दिया है तो वैल्यू आपको रखनी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका दिया है और आप नहीं रख रहे हो तो आपका कुछ भी हल नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको पूरा हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, किस दर से
ठीक है, तो किस दर से बोल दिया, तो वहां पर रापुर निकालना है 1800 रूपए। तो यहाँ पर 1800 रूपए जो दिया है वो मूलधन दिया है, ठीक है, 2 वर्ष का आपको समय दिया है, 378 रूपए होता है बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 378 रूपए, देखो ध्यान से कि आपका 1800 रूपए मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, तो क्या आपका मिश्र धन 378 रूपए होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज्यादा होता है। तो ये जो 378 रूपए है वो मिश्र धन नहीं है, आपका क्या है, ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मिश्र धन का फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पर दर निकाला है, वैसे आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसलिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना है और फिर दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 378 रूपए मिश्र धन नहीं दिया है आपको, वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे और फिर वहां से दर ज्ञात करोगे, ठीक।